नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल अग्निहोत्री। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रदेशाध्यक्ष अमित बघेल एक दिवसीय बालोद दौरे पर रहे। उन्होंने शहर के गोंडवाना भवन में पदाधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने बूढ़ादेव यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आरजे न्यूज से बात करते हुए बताया कि जल्द ही पूरे प्रदेश भर में बूढ़ादेव यात्रा निकाली जाएगी। हर गाँव से कांसा लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब में बूढ़ादेव को स्थापित किया जाएगा। आज बालोद जिला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सर्व आदिवासी समाज के संयुक्त बैठक रखे गए रही से और बूढ़ादेव यात्रा के दूसरा चरण के आगाज हो गए हैं। अब पूरा प्रदेश भर में बैठक के दौर चलत है। पहले चरण में बूढ़ादेव यात्रा के पहले चरण में प्रत्येक गांव देवता के अंगना के माटी सकेले हैं और बड़े जान रायपुर के बूढ़ा तरिया में चौरा निर्माण करे हैं। चौरा सृजन करे के बाद ये दूसरा चरण के जो तैयारी है तेम पूरा प्रदेश भर के हर घर से अपन पुरखा देवता कुल देवता बूढ़ा देव के मूर्ति के विश्व के सबसे बड़े बूढ़ा देव की मूर्ति की स्थापना खातिर कांसा दान महाउदीम लेकर के लगातार बैठक के दौर चलत है और ये बैठक में बालोद जिला पूरा ऊर्जा के साथ भरे हुए है। पहली चरण में बालोद जिला बहुत शानदार अच्छा प्रदर्शन करके पूरा जिला भर से माटी सकेल के छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के बूढ़ा तरिया में समर्पित करीस। बूढ़ा देव के नाम से चौरा बने। अब विश्व के सबसे बड़े कांसा के बूढ़ा देव की मूर्ति निर्माण के तैयारी चलत है। तेमा पूरा प्रदेश भर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी भाई बहनी मन और सर्व आदिवासी समाज के सबो पदाधिकारी कांसा के बूढ़ा देव की मूर्ति निर्माण के तैयारी चलत है। तेमा पूरा प्रदेश भर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी भाई बहनी मन और सर्व आदिवासी समाज के सबो पदाधिकारी भाई बहनी मन कांसा दान महाउदीम ल लेकर के हर घर जाही। और आपके चैनल के माध्यम से हमर देखने वाला छत्तीसगढ़िया दर्शक भाई बहनी मन से मैं निवेदन पहले की करत हूँ कि अपन अपन घर से टूटहा ढंडा फूटहा कराही डुआ झारा जतका भी कांसा के है बटलोही ये मल्ला दान जरूर कराओ। आपके दान दिए कांसा से नेर कांस फूल कांस तांबा पीतल जौन भी आपके यहाँ बर्तन है जिन मना अभी काम नहीं आवते पठेरा में मढ़ा देहन वो सब कांसा मल्ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और सर्व आदिवासी समाज के भाई बहनी मल्ला दान दो। अपन कुल देवता में चघा के अपन पुरखा देवता में चघा के वो कांसा ला हमन ला दो। वो कांसा ला टघला के विश्व के सबसे बड़े बूढ़ा देव के मूर्ति हमर रायपुर के बूढ़ा तरिया में स्थापित करबो। उमा आपके भी अंश लगही आप ला भी अपन कुल देवता की स्थापना के शुभ अवसर में ये अवसर दिए जाते आपो मन अपन अपन घर से कांसा निकाला कांसा दान। शुरुआत तो आज बैठक हो गए। अब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जिया जिया भी बैठक हुआ थे और दूसरा दिन से शुरुआत करत है। पहले पूरा सबला फिर से संपर्क करी सबसे मिली जुली जतका हमर छत्तीसगढ़िया मूल निवासी समाज है हमर पदाधिकारी मन सेनानी मन जा करके ये विषय ला रखी ही और तैयारी तो समझ लो जिन दिन ले पहली चरण सिरई से दूसरा चरण की तैयारी शुरू हो गए है। कुछ कारण से जेल यात्रा के लाभ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मिले और ओकर बाद से थोड़ा स्थिति जेल में रही से अब पुनश्च फिर से पूरा ऊर्जा के साथ में ये यात्रा ला प्रारंभ करते है और 8 अप्रैल के छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया मन के महाकुंभ सकलाही बड़े गंगा के रूप में सकलाही और वहाँ कांसा दान के जिन बड़े पर्व है बड़े त्योहार है बोला करही और झारा झारा नेवता सबो छत्तीसगढ़िया मूल निवासी भाई बहनी मन ला आपके चैनल के माध्यम से झारा झारा नेवता पठवात हूँ। आओ कांसा दान महाउदीम में सहभागी बनाओ और वहाँ बढ़िया एक संगरा जुरियाबो दार भात खाबो
और ये बड़े तिहार ला एक संग्रह मिल के मनाबो। सुरता राखिया 8 अप्रैल पिछले बार पहली चरण के समापन हमन 18 अप्रैल के करे रहें, ये पैत के दूसरा चरण के जो कांसा दान महा उदीम के कार्यक्रम है वो 8 अप्रैल के बुढ़ातरिया में रायपुर में सब ला जुड़ियाना है, सब ला झारा झारा ने।